देखिए बुजुर्ग जी, अब हर कोई वो चाह रहा है वो कि उनको देख पाए, जो लोग देर से आए उनको घर में जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन मुश्किल प्रशासन के लिए भी हो रहा है। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है कि लोगों को थोड़े सड़क से पीछे तरफ धकेला जाए, क्योंकि उनका कॉन्वॉय भी आना है। और आप देखिए वो जो सामने गाड़ी दिख रही है उसके पीछे ही उनका पार्थिव शरीर है, और हर कोई इस मौके के लिए, इस तरह की विदाई के लिए कोई तैयार नहीं था। और ऐसे में अगर आप किसी को विदाई देना हो तो मुझे लगता है कि कितने दुख की बात, कितने अंदर से एक हृदय विदारक जो चीज़ें होती है वो आपको देखने को मिलेगा। तमाम लोग देखिए, ये गाड़ी कॉन्वॉय है, यहीं से जा रहे हैं लोग, मोबाइल से पिक्चर बना रहे हैं, अपने उस वीर जाबाज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की मैंने पहले भी कहा कि जो लोग जाने हो नहीं जाने हो, आप अब ये पल है, देखिए ये जनरल साहब जनरल बिपिन रावत हम लोग को अपने घर से आखिरी विदाई पे निकले हैं। ये बहुत ही भावुक मौका है, और मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत ही भावुक होता जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से नहीं सोचा था। देखिए सूरज चांद रहेगा, जनरल बिपिन रावत तो आपका नाम रहेगा, इस नारे के साथ लोग यहाँ से उनको विदाई दे रहे हैं। और ये उनकी लोकप्रियता है कि एक जनरल के तौर पे नहीं, एक सीडीएस के तौर पे उन्होंने जिस तरह का अपने आप को साबित किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से चीजें होंगी। आप देखिए पूरा ये उनकी पत्नी है, उनका पार्थिव शरीर इसमें है। अमित, मैं यही आपसे समझना चाह रही थी, आप बताइए क्या दोनों अलग अलग वाहनों में पार्थिव शरीर रखे गए हैं, अलग अलग कॉन्वॉय के साथ में जा रहा है, या फिर, क्योंकि मैं जो तस्वीरों में देख रही हूँ एक आगे बड़ी गाड़ी है उसके साथ में, फिर एक ये भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते चले। देखिए ये पार्थिव शरीर जिस पर लगातार पुष्प वर्षा लोग कर रहे हैं, और अंतिम दर्शन ना सही लेकिन अंतिम सफर में अपने इस शूर वीर के साथ में लोग रहना चाहते हैं। अमित, वो कह रहे हैं कि रावत जी हर व्यक्ति के, हर शख्स के जिंदगी में रहेंगे। मुझे वही मैं कह रहा हूं कि क्यों जुड़ना चाहते हैं, ऐसा सवाल है, मैं लोगों से पूछूंगा कि ऐसे इनसे जुड़ा वैसा क्या है, मतलब कई लोग जानते भी नहीं है लेकिन फिर भी आप जुड़ रहे हो, एक संवेदना है, दुख है लोगों के मन में, ऐसा क्यों? वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे बंदे हैं। और आप बताइए, आप यहाँ पे लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, जो लोग उनको जानते नहीं वो भी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, क्यों? सर वो हमारे देश के पहले CDS थे और महान हमारे योद्धा थे, और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत बलिदान दिया अपना, और देश बलिदान दिया। और लोगों से पूछेंगे आप यहाँ पर आए उनको श्रद्धांजलि देने, आखिर क्या था कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इस तरह से उमड़ रहे हैं जो उनको जानते नहीं हो? नहीं नहीं, उनका जो नेचर था, उनका जो थे बहुत बढ़िया था, ऐसे CDS से मिलेंगे नहीं। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप झंडे के साथ? देखिए मैं विधानसभा गांधीनगर से विधायक भी हूँ, लेकिन बिपिन रावत जी का जो देश के प्रति कंट्रीब्यूशन रहा है वो मेरे मन में भी एक कहीं ना कहीं कसर थी कि मुझे जाना चाहिए, और आज देश ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है, इसकी भरपाई हम कभी भी नहीं भर पाएंगे। इस घर से, जिस घर में रहते थे उस घर से अंतिम यात्रा कर चुके हैं। बिल्कुल अमित, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते चले, ये लोग कैसे उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। अमित, उन लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको दिखाते चलूँ, ये जो काफिला है अंतिम सफ़र का CDS जनरल बिपिन रावत का, वो लगातार गाड़ी आगे बढ़ रही है, पीछे पीछे लोगों की भीड़ भी है। मेरे सहयोगी अरुण लगातार उनके इस अंतिम सफ़र के साथ में वरुण आगे बढ़ रहे हैं। वरुण, ज़रा वहाँ की तस्वीरें बताते चले, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का एक वो भाव देख रहे हैं, बहुत भावुक ये पल है, जरा वहाँ की तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए उस अगर मैं काफिले में पीछे की तरफ के अगर आपको दिखाऊं तो वहाँ पर वो जो इस वक्त लोग आपको सड़कों पर नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर कौटल्या मार्ग से लेकर धूला कुआं की तरफ इस वक्त यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और बरार स्क्वायर के लिए यहाँ पर वो सभी सेना अधिकारियों की आपको गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी, वो अपनी अपनी गाड़ियों पर साथ में चल रहे हैं, उनको वो इस वक्त
विदाई, आप सोचिए वो एक सम्मान जो उनको मिलना चाहिए। और इस वक्त वो लोग जो हैं वो भारी भीड़ है, सड़कों पर उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो सम्मान जो तीनों फोर्सेस की तरफ से दिया गया है, तीनों फोर्सेस की तरफ से वो बैंड था, खास बैंड यहाँ पर पहुँचा था और उनको अब उस एक सैन्य तरीके से प्रॉपर वो जो एक सैल्यूट